ओके फ्रेंड्स, लेट अस नाउ ट्राई गिविंग नेम्स टू दीज एल्केन्स. सो टू नेम देम अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल नंबर वन, एज विद ऑल हाइड्रोकार्बन्स, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वन विच इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. रूल नंबर टू, नंबर द कार्बन एटम्स, स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस वेयर सब्स्टिट्यूएंट्स गेट लीस्ट पॉसिबल नंबर, राइट. रूल नंबर थ्री, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, लिस्ट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. वॉट इफ इक्वल लेंथ चेन्स कम्पीट, राइट. यू नो देर इज वन सब्स्टिट्यूएंट चेन विच इज एज लॉन्ग एज द मेन चेन, द स्ट्रेट चेन. फर्स्ट प्रायोरिटी, द चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स वुड बी कंसिडर्ड. देन सब्स्टिट्यूएंट्स शुड हैव द लोएस्ट नंबर्स. देन चेन हैविंग द लीस्ट ब्रांच्ड चेन्स शुड बी कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट चेन. ओके, लेट इज यू नो गेट इन टू एक्चुअल नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी हेलो एल्केन्स. CH2 CH CH2 CH2 Br. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन एटम्स. सो रूट वुड बी ब्यूट. फंक्शनल ग्रुप इज एन एल्कीन एंड हेंस द सफिक्स वुड बी एन. देन द सब्स्टिट्यूएंट हेयर इज अ ब्रोमीन, सो प्रफिक्स वुड बी ब्रोमो. नाउ सिंस ब्रोमीन इज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड एल्कीन इज द मेन ग्रुप, सो मेन ग्रुप गेट्स प्रायोरिटी एंड हेंस we will be doing numbering from here, 1 2 3 4, and hence get bromine gets number 4. So the IUPAC name would be 4 bromo but 1 ene. Okay, so this is nothing but 3 methyl groups, CH3C, one carbon over here, CBr. So here functional group is an alkene, so suffix would be ene. What is the longest continuous chain? Three carbon atoms, right? Hence, root would be prop. Substituent is bromo. There is another substituent, methyl. So this is the longest chain that is there. Both bromine and methyl are on number two. Hence, the IUPAC name would be 2-bromo-2-methyl propane.